सपोज करिए आपके पास कार है और कार में बैटरी बार बार ड्रेन हो जा रही है, बैटरी आपने नहीं डलाई है, सब कुछ है लेकिन तो भी बैटरी डाउन हो जा रही है, सुबह चालू नहीं हो रही गाड़ी, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक आपको शेयर करता हूँ वीडियो में कि आप कैसे आपकी बैटरी का लीकेज चेक कर सकते हो। बहुत मल्टीमीटर नहीं सब इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसा छोटा सा बल्ब का बंदोबस्त कर लो, ठीक है, फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसे छोटा सा बल्ब और बैटरी बोनेट में, बाकी गाड़ी में बोनेट में होती बैटरी हमारी नैनो में सीट के नीचे, तो सीट के नीचे आपको चलते हैं और दिखाता हूँ बैटरी कैसे चेक कर। इसमें आपको माइनस ढूंढ लेना है और उसको निकाल लेना है, तो माइनस मेरा इधर है, बाकी गाड़ियों में इजी है क्योंकि वो बैटरी सीट बोनेट में आता है, इसमें सीट के नीचे से बस ये माइनस निकल गया। आप चेक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी चाबी ऑफ होनी चाहिए, ये बल्ब ले लो या माइनस को छुआओ और माइनस के जो आपका टर्मिनल है उस पर और ये बैटरी के पॉइंट पे, ठीक है। तो ये देखो तेज जल रही है, मतलब लीकेज है बैटरी में, ठीक है। ये हल्की जलनी चाहिए, जैसे आपका सेंटर लॉक चालू है सब चालू है, तो धीमी चलनी चाहिए, ज़्यादा जल रही है, तो ये चीज़ आपको दिखाता है वायरिंग में लीकेज है। और लीकेज होने का रीज़न क्या है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर कोई चूहे ने वायर काट दिया हो, ये है। तो ये धीमी जलना चाहिए, जैसे समझो इसे धीरे तेज जल रही है, इतना आपका सेंटर लॉक कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। बस इसमें देख लेना कि आपकी चाबी ऑफ हो, चाबी ऑन होनी नहीं चाहिए, तो आपका इतना पावर जाएगा। तो पावर जा रहा है मतलब कि आपकी बैटरी में लीकेज है। जैसे आप एक बैटरी चेक कर सकते हो लीकेज कैसा है, तो ये मैंने आपको छोटी सी ट्रिक सिखाई। अब घर पे अपनी कार का चेक करो, इसलिए मैं अब अपनी गाड़ी दे रहा हूँ मैकेनिक के पास, जारी रिपेयरिंग में, ये सीसी का काम बाकी है, तो वहाँ पे ये वायरिंग चेक करवा लेंगे, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया, पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।